3, 2, 1, पिल्ले। घर वाले भी ये कहते थे वीडियोस बना रहे हो, शराब नहीं आती, क्या करोगे। जो दुख होते हैं हम उनका चेहरों पर खुशी लाते हैं। आप लाखों रुपए कमा रहे हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से वीडियोस बना के, तो आप दोनों भाई कितने लाख रुपए कमा रहे हैं? अपना काम शुरू किया था ना, हमारे पास 1500 वाला मोबाइल था, एक लगन थी दिल में जो वीडियोस बनानी है, लगे रहे। अल्लाह पाक का शुक्र है आज इस मकाम पे आए। आप ये ना सोचें आपके पास कौन सा मोबाइल है, कौन ये चाहिए वीडियोस के लिए, लैपटॉप हो, कंप्यूटर हो, बस आप मेहनत करें। जो जौन सा भी आपके पास मोबाइल हो, आप मेहनत करें, अपने काम पर फोकस दें। हमारा फेसबुक पर पेज हैक हुआ जिस पर तकरीबन 17K फॉलोअर थे, और रात को 8 बजे ये हैक हुआ। हमने सुबह 11 बजे नया चैनल बना लिया फेसबुक पेज। मैं जो था ये नहीं कि काम छोड़ दे, क्या रात को हैक हुआ हमारा पेज, सुबह हमने नया बना लिया। तो मतलब आपने काम दोबारा शुरू कर लिया। और फिर भी हमारे 1100 तकरीबन थे फॉलोअर, उस पर हमारी वीडियो फिर फॉर यू में लगी चली गई, और तकरीबन 700 के हमारे, मतलब 7 लाख हमारे व्यूज आ गए। अहमद रजा और हसन रजा साहब, टीम स्रेकी बॉक्स, आपने हमें आज टाइम दिया और अपने इलाके में इनवाइट किया। फेसबुक और यूट्यूब से पैसे कमाना आसान है क्योंकि आप नौजवान पैसे कमा रहे हैं, आसान भी और बहुत मुश्किल भी। अपने काम पर फोकस दें, ध्यान दें, तो ये बहुत आसान है। अगर हम अपने काम पर ध्यान ना दें, मोबाइल फ्री में लगे रहें, तो ये बहुत मुश्किल है। आपको कैसे आइडिया हुआ था कि सोशल मीडिया से पैसे कमाए जा सकते हैं? मतलब के बड़े भाई ने आइडिया दिया था कि ऐसे MBs यूज करते हो फ्री में, थोड़ा सा क्लिप बना दिया करें रोजाना के, एक वायरल हो सकते हो और यूट्यूब आजकल पैसा दे रहा है। हमने 2019 में दिसंबर के महीने में अपना जीमेल बनाया था, फिर उस पर चैनल बनाया था यूट्यूब पर। तो आपकी अभी दोनों की उम्र क्या है इस वक्त? मेरी उम्र है 18 साल, ठीक है, और इनकी 16.5। अच्छा, आप दोनों क्या लगते हैं? भाई बड़ा मैं हूँ। बड़ा ये सगे भाई हैं आप? यस। अच्छा, और आप पढ़ रहे हैं? ठीक। अच्छा, आप कब अपने सफर की बात बताएं कि सोशल मीडिया पे आप कैसे हैं, और इस सफर के हवाले से हमें बताएं। हमने 2019 में दिसंबर के महीने में ये काम शुरू किया था और यूट्यूब का चैनल बनाया था। मतलब कि पहले हम ड्रामा हैं, इसलिए हमने उसको उठाया, मतलब खुद बनाया। उस चैनल का नाम था पहले BP कॉमेडी हमने लिखा था, ठीक है, फिर उसके बाद चेंज कर दिया। यानी उस पे आप कॉमेडी की वीडियोस बनाते थे? ठीक है। फिर हमने उस पर सरेकी वीडियोस, क्योंकि हम वीडियोस पहले सरेकी में बनाते थे, ठीक है, फिर हमने सरेकी बॉक्स नाम रख दिया, ठीक है, वो चैनल ऐसे तुक्के थे, ठीक है, 3 मंथ के लिए वो टर्मिनेट हो गया, ठीक है। फिर हम लगे रहे ऐसे और चैनल बनाते रहे, किसी की वीडियो लगाते, वैसे मतलब फारिग रहे। फिर 3 महीने बाद हमारा चैनल आ गया, हमारी लाख चला हुआ था। उसे चला रहे हैं या बाद में आपने नया चैनल बनाया था? नहीं, अभी वही चल रहा है, अभी वही चल रहा है। आप बताएं, आप फेसबुक की जर्नी क्या हमें बताएं? फेसबुक की जर्नी तकरीबन 1 साल पहले हमने फेसबुक पर पेज बनाया अपना, खास रिस्पांस नहीं मिल रहा था, इतने ज्यादा अच्छे व्यूज नहीं आ रहे थे। हमने फेसबुक पर अपना सफर शुरू किया, ये मुश्किल लग रहा था, इलाके वाले सपोर्ट करते नहीं थे, इसलिए हमने फेसबुक पे सफर शुरू कर दिया अपना। फेसबुक पे पेज बनाया, ऐसे 10-15 वीडियोज अच्छी अच्छी बनाई, जिसमें से हमारी वायरल वीडियो वायरल चली गई, जिससे वजह से हमारे फॉलोवर बहुत बढ़ गए, और हमारे 6 मंथ्स में 17 के फॉलोवर हो गए, 17 के 6 मंथ में सिर्फ। अच्छा, वीडियो का टॉपिक सेम था, सरेकी ड्रामे बनाते थे, कॉमेडी में, इसलिए वो हर वीडियो 50,000 से ऊपर क्रॉस करते थे व्यूज में, और इसी वजह से कुछ पेज हमारा हैक्ड हो गया, क्योंकि हमने उधर व्हाट्सएप का नंबर दिया हुआ था, किसी ने हमसे रब्ता किया और कहा कि हम आपको मोनेटाइज कर देते हैं ऐसे वैसे, वो फिर महीने में हमसे चैनल उड़ा लेगा। अच्छा, आपसे उन्होंने आपकी लॉगिन डिटेल्स ले ली थी? जी, लॉगिन। ओके। अच्छा, हमारे सनामा शहर में आप बहुत फेमस हैं, नौजवान हैं, पढ़ रहे हैं, और अभी मैं जब आ रहा था तो कई सारे लोग, उनसे मेरी बात हुई, मैंने उनसे जब आपसे पूछा वो बता रहे थे, मतलब लाखों कमा रहे, मतलब हम कमा रहे हैं, ये नहीं है कि इधर से हम फारिग हो गए हैं, मतलब कुछ ना कुछ हम कमा रहे हैं यूट्यूब से, फेसबुक से, कुछ ना कुछ कमा रहे हैं, सोशल मीडिया पैसा देता है वीडियो डालने पर। अच्छा, आप समझते हैं कि आपका ये सफर अच्छा जा रहा है? जी, अल्हम्दुलिल्लाह, ये अच्छा जा रहा है। अच्छा, देखा गया ना कि जो सोशल मीडिया से पैसे कमा रहे हैं, खुसूसन सराकी इलाकों में हमारे लोग, जब कोई किसी से मिलने आता है तो वो मिलते नहीं है, नखरे करते हैं, पैसे मांगते हैं, आप भी ऐसे करते हैं? नहीं। अच्छा, गलत बात है, अभी नहीं, बाद में करेंगे, बाद में कर लेंगे, कोई पता नहीं है, अभी तक नहीं कर रहे। अच्छा, अभी तक बिल्कुल नहीं कर रहे, ठीक है। बताएं आप, बहुत सारे देखा गया है हमारे इलाकों में कि सरेकी वीडियोस खसूसन
एक अजीब कल्चर पेश कर रही हैं, बेहंगम मजाक और तौहीन भी होती है। एक मेरा ये सवाल है और इसी से जुड़ा हुआ दूसरा सवाल है कि जो कॉमेडी कंटेंट बनाते हैं उन्हें तंज का निशाना बनाया जाता है, मजाक किया जाता है मार्केट में, शहर में, स्कूल्स में, तो आप के जवाब दे मुझे। मतलब कि आप समझते हैं हमारा जो सराइकी कल्चर जो अभी तक सोशल मीडिया पे या ड्रामों में दिखाया जा रहा है वो मुनासिब है कहीं पे? मतलब कि कुछ मुनासिब है, ऐसा नहीं है कि सबको हम बुरा कह दें इस तरह। मतलब कि कुछ ऐसे करेक्टर भी हैं, मैं उनका नाम लेना चाहूँगा, ये गालियाँ भी निकाल रहे होते हैं अक्सर वीडियोज़ में, सराइकी जबान में गालियाँ निकालते हैं, ये बहुत गलत बात है। सराइकी मतलब कि ख़राब करते हैं, सराइकी जबान हमारी मीठी जबान है माशाल्लाह। मतलब कि एक तो हम इंटरटेनमेंट करते हैं वीडियोस में, हम इंटरटेनमेंट करते हैं और लोगों को पास टाइम पास हो जाता है लोगों का। अच्छा आप बताएं, जब आप स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं या बाजार में मिलते हैं, लोग मजाक करते हैं क्या यार ऐसे वीडियो बना रहे थे, क्या बनाते हैं? क्योंकि सराइकी में एक अजीब एक कहावत है वो यार क्या करें देवे देवे। नहीं नहीं पहले करते थे शुरू में, अब नहीं करते। आप कहते हैं ये तो वही बंदा जो वीडियो बनाता है, पहले करते थे मजाक करते यार ये क्या कर रहा है, तो अब ये अब मतलब ऐसा हो गया थोड़ा पब्लिसिटी हो गई और आप वो नहीं पूछते कि वीडियो क्यों बना रहे हैं, आप ये पूछते हैं कुछ अर्निंग हो रही है। अच्छा बहुत सारे देखा गया, जिस तरह एक मशहूर हमारे यहाँ यूट्यूबर है वेला मुंडा साहब, उन्हें देख के उनकी करीबी बस्तियों में बहुत ज्यादा लोग सोशल मीडिया पे आए, आपकी वजह से भी किसी ने कुछ चैनल बनाए? नहीं जी जी बनाए हैं। अच्छा बनाए हैं हमारी बस्ती में लाखवाल में दो तीन ऐसे बनाए जिन्होंने बनाए बनाए। अच्छा और उनके भी और वो भी अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छा मेहनत कर रहे हैं, ठीक है वो भी कामयाब हो जाएंगे। ठीक है ये तो एक बहुत बड़ी कंपटीशन की जगह है, प्रॉपर स्टूडियो होना चाहिए। आपकी टीम में कितने लोग हैं टोटल जब आप काम करते हैं? और दूसरा आपका कोई स्टूडियो वगैरह भी है या नहीं? हमारा कोई स्टूडियो नहीं है, जिधर भी जगह मिल जाती है वीडियोस बना लेते हैं। ये हमारा है, हमारा पूरा गाँव है। अच्छा इनको और इसके अलावा हमारे 5-6 बंदे हैं जो अभी मैं वीडियो में नहीं ला सका, वो काम पर गए हुए थे। ठीक है। अच्छा देखा गया है सोशल मीडिया के ऊपर अगर कोई नाकाम होता है तो बिल्कुल डिसहार्ट हो जाता है, दोबारा सोशल मीडिया पे नहीं आता, तो आपके साथ जब ऐसा हुआ था तो आप दोबारा कैसे उभरे? पहले तो थोड़ा रिस्क है, इसके बाद जोश था एक दिल में जो वीडियोस बनानी है और मशहूर होना है। आपके जो चैनल है या आपके फेसबुक पेज है जिस तरह, या आपका जो यूट्यूब पे कॉन्टेंट है, वो सिर्फ आपके इलाके के लोग देखते हैं या बाहर की ऑडियंस भी आपके? तकरीबन बहुत सी ऑडियंस ऐसी हैं जो हमें दुबई और सऊदी अरब से। अच्छा जी 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 वहाँ पे हमने अपना पिछले पेज पे, ठीक है अभी मेरे पास उनके मैसेज मौजूद हैं, वो वीडियोस देखते हैं आपकी? जी जी मैसेज करते हैं, वीडियो तो आपकी अच्छी लगती है सऊदी से दुबई से। तकरीबन मतलब कि 5% सऊदी और दुबई से हमारी ऑडियंस, बाकी इलाके वाले भी बहुत बहुत यंग है, नौजवान है, जाहिर है लोग भी आपको जब मिलते होंगे तो आपको फॉलो करते होंगे। अपने देखने वाले नाज़रीन के लिए आप क्या पैगाम देंगे? हमारा यही पैगाम है कि आप सारा दिन अगर आप होते ना बड़े बड़े उस वीडियोस को आप YouTube पर लगा दो, Facebook पर लगा दो, TikTok पर लगा दो, इतने बहुत से प्लेटफॉर्म है ना, आपको मैं क्या बताऊँ, तकरीबन 25 प्लेटफॉर्म है ना, वेबसाइट बना लो अपनी, ऐसे कर लो किसी जगह तो कामयाब हो गए ना आप। आपको ये बताना चाहूँगा जो इंसान आज इस टाइम सोशल मीडिया से पैसे नहीं कमा रहा, और मैं आपके ऑडियंस से एक आखिर में ये अपील करना चाहूंगी कि हमारा सराइकी बॉक्स और यूट्यूब पर भी सराइकी बॉक्स हमारे चैनल का नाम है, एडियल हम खुद है। अच्छा ये नहीं कि हम मतलब आपका एक भाई दूसरे का आइडियल है, दूसरा दूसरे का है, पर ट्रेंड के साथ हम चलते हैं, ट्रेंड के साथ अपना ट्रेंड बनाते हैं, होगा फनी फनी। अच्छा एक चीज है, बहुत सारे लोग ना ट्रेंड को कॉपी करते हैं, आपका ट्रेंड आज तक किसी ने कॉपी किया है? मतलब कि मैंने देखा है 2-3 यूट्यूबर का नाम उन्होंने और बड़े यूट्यूबर्स ने बड़े यूट्यूबर ने किया है, उनका हमारे से बड़ा था, तो खुशी होती है कि आपको कोई कॉपी कर रहा है। जी जी।